सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर को लेकर बात करेंगे वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आपने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट देखने को मिली 1.5% के करीब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 तारीख के लेवल्स को लेकर, क्या स्टॉक में एक अच्छी रैली बनते हुए नजर आएगी या फिर साथ में मार्केट का कैसा माहौल बनेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे 6 मिलियन के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम आते नजर आई है, यानी कि 60 लाख के करीब वॉल्यूम लगी है और 3240 के भाव जो शेयर वो प्रीवियस में हमें क्लोजिंग देते नजर आए 1.5% की गिरावट के साथ। और जो गिरावट हुई थी उसके पीछे एक्चुअली में क्या रीजन थे, एक तो आप लोग देखोगे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है क्योंकि उससे एक दिन पहले स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी और मार्केट के अंदर भी प्रेशर था जिसके चलते इंडियन मार्केट के जो शेयर थे वो बहुत ज्यादा टूटे हुए थे। लगभग सभी शेयरों में गिरावट थी, लगभग मार्केट में रिकवरी बनी तो शेयरों में भी हमें रिकवरी बनते नजर आए। तो चलिए भी जानते हैं इसके कल के लेवल्स क्या रहेंगे, क्या स्टॉक में एंट्री देने का टाइम है या फिर वेट करके उठाना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म में इसके अंदर ऐसा बनेगा या फिर नहीं, फंडामेंटल इसको कैसा है वो भी डिस्कस करें। चलिए पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बिजनेस की अगर मैं बात हूँ तो बिजनेस का तो आपको पता ही होगा भी, कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैन्युफैक्चर ट्रेड्स एंड सेल्स यार्न, टेरी टॉवल्स हो गया एंड बेड शीट्स एंड पेपर एंड केमिकल्स, तो इन सब के बिजनेस में आप लोग देखोगे कंपनी लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो कितनी है, 16,511 करोड़ की, और इसके चलते कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, 1442 करोड़ का, यानी कि डेप्ट इक्विटी विलो 1 है। तो अच्छी बात है अभी कंपनी तब चाहे जब अपना जो डेप्ट है वो पे कर सकती है, और अगर विलो 1 हो ना डेप्ट इक्विटी तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके साथ आप यहाँ पर देखोगे ROE ROC ये दोनों के दोनों 11 और 12 के आसपास है, ये भी एक अच्छी रेंज में है। स्टॉक पी रेशो की अगर बात करें तो 41 के आसपास है। वहीं इसके साथ आप लोग देखोगे इसके जो करंट प्राइस है वो 32 रुपये और बुक वैल्यू कितनी है, 8 रुपये 23 पैसे, यानी ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से लगभग 4 टाइम ट्रेड कर रहा है लगभग। वहीं आप लोग देखोगे भी ये कंपनी जो आपको डिविडेंड भी देती है 1.11% के आसपास, जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 49 लाख का देखने को मिल रहा है, और इसके जो प्रॉफिट है वो आप लोग देखोगे एनुअल प्रॉफिट 640 करोड़ का, और फ्री कैश फ्लो कितना है 650 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो है और एनुअल प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कंपनी का, तो तब चाहे जब अपना जो डेब्ट है वो पे भी कर सकते हैं तो हम इसे डेब्ट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73% के करीब जो होल्डिंग है वो आप लोग देखोगे प्रमोटर्स के पास है, 23% के करीब होल्डिंग जो वो पब्लिक के पास है, 2.47% के करीब होल्डिंग पब्लिक सॉरी जो FII है उनके पास है, DII के पास 0.05% के करीब होल्डिंग है। तो ये इसके फंडामेंटल है, फंडामेंटल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो लॉन्ग टर्म विजन इसका बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाना चाहो तो लगाकर चल सकते हो, लॉन्ग टर्म में पैसा इसके अंदर बनेगा। तो चलिए अब जानते हैं भाई इसके लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके लेवल देखने से पहले एक बार इसका डाटा देख लेते हैं, डाटा कैसा है। 3290 का प्रीवियस क्लोजिंग ओपन हुआ 3290 के भाव पर, 33 तक ऊपर में गया, फिर जो शेयर है वो 3225 तक नीचे में आया, 3240 के भाव पर क्लोजिंग लिया 1.5% की गिरावट के साथ। इसी गिरावट के चलते एक सेल ऑर्डर हमें स्टॉक में लगते नजर आया तकरीबन 23,429 क्वांटिटी का। डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ डिलीवरी पोजिशन की तो ये शानदार है भाई, 47 लाख के करीब शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, जिनमें से 23,54,000 के करीब जो डिलीवरी वो उठाई गई है, लगभग 50% के करीब डिलीवरी उठी है, डिलीवरी शानदार उठी है। छोटा सा आप लोग देखोगे इसके अंदर जो अभी हमें एक सेलिंग ऑर्डर देखने को मिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर 1-2 लाख का होता तो एक अलग प्रेशर स्टॉक के ऊपर आ जाता, लेकिन 23,000 के आसपास का है तो इसके अंदर जो ना स्टॉक में एक अच्छी रैली बनने के फिर से चांसेस है। तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं, सपोर्ट क्या लेके चले, इसका शॉर्ट टर्म में कितना इसके अंदर मुनाफा हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 1-2 दिन पहले स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी ना, और इस तेज़ी को देखते हुए मैंने आपको क्या बोला था कि 34 तक जो शेयर है ऊपर में जा सकता है, लगभग उस लेवल तक जो शेयर है वो ऊपर में गया, फिर वहाँ से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है। अब आप लोग देखोगे फिर से जो शेयर है वो टूट रहे हैं, तो ये जो तेज़ी बनी थी स्टॉक में अचानक से, ये कोई ऐसी कंपनी द्वारा कोई अनाउंसमेंट या फिर कोई न्यूज़ वगैरह आई हो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे शेयर में ये रैली बनी, बायर्स आए, तो उन सबके चलते जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो स्टॉक में फिर से करेक्शन नीचे में। हाल ही में आप लोग देखो जो सपोर्ट बना ना भी, जो भी निवेशक फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं 3117 का SL पुट करके चल सकता है, और ऊपर में जो इसका टारगेट रहेगा 34 रुपए का, तो ये इसके लेवल बन रहे हैं, इन लेवलों के ऊपर आई थिंक आपको फोकस करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।